अपना पेट तो सभी पाल लेते हैं, लेकिन वे लोग धन्य हैं जो दूसरों के लिए करते हैं। हम इस समय हैं वाराणसी के ट्रामा सेंटर। यह वाराणसी का हर्ट है और यहाँ घायल लोग आते हैं, इलाज कराते हैं। ये वह लोग हैं जिनके मरीज यहाँ भर्ती हैं। यहाँ एक है रोटी बैंक। रोटी बैंक नित्य प्रति लोगों की चिंता करता है कि कोई भूखा न रहे। आप देख रहे हैं लंबी लाइन है यहाँ। कोई इस हॉस्पिटल में कोई इस प्रकार की कैंटीन नहीं है कि लोगों को भोजन मिल सके कम पैसे पर। कोई इस तरह का तमाम दानी लोग हैं, बड़े लोग हैं, काम करने वाले इस क्षेत्र में है, भूख मिटाने के क्षेत्र में, लेकिन ठंडा नहीं लग रहा है क्या जी? फिक्र ही करते हैं। रुको, और इंसानियत मानवता भाईचारे के संदेश को आप लोग जन जन तक पहुंचाते रहिए। किस प्रकार से इंसानियत मानवता भाईचारे समाज के सहयोग से चलने वाली बैंक है। आ जाएगा इसको किसी की नहीं तो है तो लाइन में बने रहते हैं। अगर अच्छा लगाती नहीं है लेकिन लगाना आने की बात तो। दोस्तों आप यह देख रहे हैं कि यह तमाम क्यों नहीं टोपी लगाई होती? आप ले लिए माता ना, कौन ले लिया? देखिए लंबी लाइन आप देख रहे हैं और इधर मैं दिखा रहा हूँ, काशी हिंदू वाराणसी। यह है ड्रामा सेंटर एवं इसे आप देख रहे हैं, इसकी भव्यता और सुंदरता देख रहे हैं। लेकिन यह भी एक पक्ष है, इस भव्यता और इस सुंदरता में एक दाग लगाने वाला अमावस पक्ष है कि जो मरीज के लोग हैं इस कड़कड़ाती ठंड में, बाहर कोई होटल नहीं है, बाहर बाटी चोखा मिल जाएगा, बाहर कुछ और मिल जाएगा, लेकिन भोजन महंगा मिलेगा। ये लोग कहाँ से खड़े हो जाएंगे? यहाँ ऐसे लोग आते हैं जिनके एक्सीडेंट में जो लोग घायल हो गए हैं, जिनके पैर हाथ टूट गए हैं, जिनके जिनकी हड्डियाँ चटक गई हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के मरीज यहाँ भर्ती। और यह बहुत बड़ा ट्रामा सेंटर है जहाँ इलाज होता है, लेकिन यहाँ कोई प्रबंध नहीं है। दोस्तों बताते चले, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में इस बात का उल्लेख है कि देश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, भूखा नहीं रहेगा, और आहार पाने का अधिकार है भारत के संविधान में, लेकिन आहार मिलेगा। इस बात का बखान यद्यपि मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में इसकी नींव डाली गई, यह तैयार होता रहा, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिनका यह संसदीय क्षेत्र है दोबारा पारित चल रहे हैं, वह इसका उद्घाटन किए थे। लेकिन भैया कोई कैंटीन नहीं रहेगा, कोई कैंटीन नहीं है। यह मरीज इसी में देखिए, अगर आप इधर जा कर के देखेंगे तो लोगों ने अपना बिछा रखा है कहीं ना कहीं, और इसी में देखिए आप उधर देख रहे हैं ना, वह सब पॉलीथीन डाल करके और इसी में रहेंगे, कहीं कोई रहने का इंतजाम नहीं है। भैया अगर मरीज आया है तो उसके साथ एक दो लोग तो रहेंगे ही, रात को बाहर निकाल दिए जाएंगे। मरीज के साथ एक व्यक्ति भीतर किसी तरह से चटाई बिछा करके रह सकता है, लेकिन बाहर भीतर और लोग नहीं रहेंगे। अब जो लोग बाहर आए, यहाँ अधिकांश लोग बिहार के होंगे, मेरे कहाँ से आए हैं? बलिया से। देखिए आप कहाँ से आए हैं? बलिया से। आप कहाँ से? बलिया से। आप बिहार से? बिहार में कहाँ से? देहरी। आप कहाँ से? बिहार से। सिकंदरपुर बलिया। सिकंदरपुर बागी बलिया की जय हो, बागी बलिया की जय हो। क्या हुआ है बाबू? ट्रैक्टर वाले ने मार दिया है, इसलिए 10 दिन से। आप भी साथ में ही हैं? आप कहाँ से हैं भैया? भभुआ जिला से। यह है साहब, देख लीजिए, यह बिहार से हैं, बलिया से हैं, और पूर्वांचल के तमाम कोने कोने से लोग हैं, लेकिन इनके भोजन का कोई इंतजाम नहीं है। रोटी बैंक जगह जगह से रोटी का इंतजाम करके और किसी तरह से ले आ करके हज जाते हैं। कैसे होगा? संविधान की जो मूल आत्मा है उसकी पूर्ति कैसे होगी, और उसको दम तोड़ते हुए हम देख रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर? बक्सर जिला से। मरीज को क्या हुआ है? मरीज का, मेरे लड़का का पैर टूट गया है। पैर टूट गया है, कब से आप यहाँ हैं? सर 8 दिन बीती है। फर्स्ट दिन बोले कि ऑपरेशन हो जाएगा, 3 बार डेट देके नहीं हुआ। 3 बार डेट देके नहीं हुआ। कितना कितना पैसा लगा आप तक? पैसा सर लग गया 1,10,000। 1,10,000 तुम्हारे स्वास्थ्य
का जो आयुष्मान योजना का नाश हो जाए, यह स्थिति है भैया। आपको आपके मरीज का क्या हुआ है? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सासाराम के। कई तारीख से आप कब से हैं यहाँ? 3 दिन हो गए। 3 दिन। कितना पैसा लगाया आप तक? 23,000 लग गया है। सब गरीब लोग हैं, सब गरीब लोग हैं। और यह ट्रामा सेंटर कहाँ से आप आए हैं? हम आए हैं बलिया से। हमारा नाम राजू चौहान पड़ेगा। आज मैं 15 दिन से यहाँ पर आया हूँ। क्या हुआ है मरीज? एक्सीडेंट हुआ है अभी। मेरा बैरिया एक्सीडेंट हुआ है दलपतपुर में। 8 मरीज जो है, 2 मरीज मर गए हैं और 2 लड़के। कितना पैसा अभी तक ऑपरेशन हो गया है? ऑपरेशन नहीं हुआ अभी तक। 2 बार लगा ऑपरेशन करने से, 2 बार ऑपरेशन कर। कितना लगा है? 70,000 रुपये लेते हैं। 70? मतलब भीतर की दवा कोई नहीं मिलती है? भीतर की कोई दवा नहीं मिलती है माननीय प्रधानमंत्री जी। सारी दवाएं बाहर से, किसी का 70,000, किसी का 1,20,000, किसी का 30,000। और यह है लोक कल्याणकारी शासन। कहाँ से आए भैया? हम लोग गाजीपुर से हैं। गाजीपुर में कहाँ से? गाजीपुर में अहमदाबाद क्षेत्र। अच्छा, क्या हुआ है आपके मरीज का? हमारे मरीज को एक्सीडेंट है। अच्छा, चोट है। हाँ, और हमको यहाँ आईसीयू में आज 1 महीने 5 दिन हो गया। और कितना लगा है अब तक? लगभग लाखों रुपया लग चुका है। लाखों रुपया, सारी दवाएं बाहर से। यह है कड़वी सच्चाई जिसको कोई मीडिया दिखाएगा नहीं। मैं किसी के बारे में कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन है आज तक, है NDTV, है ABP न्यूज और है दुनिया भर के चैनल, क्यों नहीं दिखाते हो इस सच्चाई को कि एक एक मरीज का लाखों लाख रुपया लग गया है। कोई दवा भीतर से नहीं मिलेगी, सारी दवाएं बाहर से मिलेंगी। कौन दिखाएगा इसे? माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि ब्रजभूषण दुबे की आवाज आप तक पहुंच रही हो तो कड़कड़ाती ठंड में मरीज के जो अभिभावक हैं, जो मरीज के गार्जियन हैं, वह लोग आए हैं और वो आप बता रहे हैं। अब बात में नहीं कर रहा हूँ। जिसका पर भी होता है उसका इलाज होता है, जिसका पर भी नहीं गरीब भी होकर मर रहा है। आप कहाँ से आए? अमरावती गाय घाट से आए। गाय घाट बलिया जिला से। आपका मरीज क्या हुआ? एक्सीडेंट वाला। कई दिन से हैं आप? रात का है। कितना पैसा आप तक लग चल? लड़का जानी है, लेकिन दवाई बाहर से आवत बा। देखिए यही है भैया। कहाँ से आल बना आप? भभुआ से। का भैल बा मरीज के? चारा मशीन से बच्चा के 5 साल। अच्छा, कट गया है। तो कई दिन से हुआ? आज मान लीजिए 24 तारीख के बाद। 24 तारीख के। कितना पैसा लगल हुई? अरे तब पैसा लगते तब वो कुछ बतावा। 20,000 तक लग गया। 20,000 तक लग गया है। बच्चे की उंगली कट गई है चारा मशीन से और यह 20,000 तक लग गया है। यह सभी ऐसे लोग हैं जो नर्सिंग होम में नहीं जा सकते, प्राइवेट चिकित्सालयों में जाने की औकात उनकी नहीं है। लेकिन यह ट्रामा सेंटर जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, खेत रेहन रख दिया जाएगा, गहना बिक जाएगा। भैया बताएं। बोलिए बोलिए। लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, 3 लाख रुपया खर्च हुआ। 3 लाख खर्च हो चुका है। ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है। कहाँ से आल बनी आप? भदोही से। कितना दिन से भर्ती हैं आप? 2 महीने हो गए। 2 महीना हो गया। 3 लाख लग गया। हाँ। पक्का? पक्का। आप बताइए कहाँ से आल बनी? अच्छा, का भैल हुआ आपका? कैसे गिर गई? अच्छा, कुत्ता पड़ गया आगे। कितना पैसा लगा होगा आपका? भाई हम आज 10 रोज आए हैं। 20,000 रुपया लग गया। यह है भैया सरकारी। संविधान पढ़िए, यहाँ के सांसद जी संविधान पढ़िए, यहाँ के मिनिस्टर लोग। अगर कहीं पानी बजबजा रहा हो सड़क में गड्ढे हैं, अभी बनारस में गड्ढे नहीं पटे हैं, तो उस पानी में नाक रगड़ दीजिए, उसी पानी में अपनी शकल देख लीजिए। या मैं नहीं कह रहा हूँ, या मरीज कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। यह स्थिति है दोस्तों। जिन लोगों ने इसे संचालित किया है उनसे अब हम बात करना चाह रहे हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम हुआ किशोर तिवारी। किशोर तिवारी जी, कब से संचालित कर रहे हैं आप रोटी बैंक? 2017 से चल रहा है। 2017 से। तो आप यहाँ खिलाते हैं? नियमित 7 बजे आ जाते हैं आप? नियमित 7 बजे आ जाते हैं। और यहाँ लोग इंतजार करते रहते हैं कि रोटी बैंक वाला आएगा, रोटी खिलाएगा? बिल्कुल, रूटीन वर्क हो गया। रूटीन वर्क। तो यह लोग मदद भी करते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें से काफी लोग जो होते हैं सहयोग भी कर देते हैं। चलिए, आज जिन लोगों ने मदद किया है उनके लिए ब्रजभूषण मार्कंडेय यूट्यूब चैनल की संपूर्ण मंगल कामना। सलूट करता हूँ, नतमस्तक। आज के हमारे जो अन्नदाता है उनका मैं नाम भी लेना चाहूंगा। हाँ। और देखिए, आज हमारे साथ
आज देखिए मुखर्जी परिवार है, हाँ। गीता मुखर्जी जी हैं, उनकी आज पुण्यतिथि थी। अरे वाह, घर वाले मुखर्जी परिवार ने भी सहयोग किया, हाँ। राशि दिया, धनराशि दिया, हाँ। सहयोग किया, हाँ। और हमारे श्वेता मिश्रा जी हैं, गुड़िया जी, उनका जन्मदिन है, उनके भाई साहब ने राकेश मिश्रा जी ने सहयोग किया, और कनाडा का एक परिवार है, कनाडा से, इंडिया नहीं कनाडा, कनाडा से है, तुलिका बाली जी, तुलिका बाली जी का जन्म दिवस है, तो उन्होंने सहयोग किया अपने जन्म दिवस के। तो रोटी बैंक हम सेवादार हैं, हम अपने आप को नहीं कहते हैं कि हम खिलाते हैं, हम की भावना मतलब चौकीदार नहीं है, सेवादार नहीं, सेवादार है, चौकीदार नहीं। हम गीत सुनाते हैं कि भैया हम हैं सेवादार, अब बहनी हम हैं सेवादार, कोई नहीं सोएगा भूखा, यही हमारा काम कि भैया हम हैं सेवादार, सुन लो देश की पुकार। तो हम सेवादार है, जितने लोग दिख रहे हैं हम सेवादार कहते हैं, क्योंकि हम अपने जेब से नहीं खिलाते। और ये भारत की कैसी संस्था होगी जो कहती है डंके की चोट पे कि हम अपने जेब से नहीं खिलाते, अन्नदाता हमारे लिए भगवान है, आज कलयुग के हमारे भगवान हमारे किशोर जी। कैसे आपसे लोग संपर्क करेंगे, कोई नंबर बताइए। हमारा नंबर है 9455209530 9455205930 और कैसे देख सकेंगे लोग हमारा, आप गूगल पे सर्च करेंगे रोटी बैंक वाराणसी, रोटी बैंक वाराणसी, तो हमारा पेज आपको मिल जाएगा गूगल पे सर्च करेंगे तो। रोटी बैंक वाराणसी की जय हो, और किशोर सहित इनके पूरी टीम के लिए हमारी शुभकामनाएं। दोस्तों शुक्ला भैया हो गए हमारे टीम में कोषाध्यक्ष हैं, हमारे रोशन पटेल जी हैं हमारे टीम में, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, और हम सब सेवादार हैं। और श्वेता जी की जय हो, और मुखर्जी परिवार की जय हो। वाह, जन्मदिन पर भी रोटी और पुण्यतिथि पर भी रोटी, ऐसे तमाम संस्कारों पर यह है रोटी बैंक। और जो कच्चा चिट्ठा था उसे भी मैंने बता दिया कि भैया हमारा फंडामेंटल राइट है कि कोई भी मरीज दवा के अभाव में नहीं मरेगा, लेकिन दवा आएगा कहाँ से, दवा कहाँ से आएगा, पैसा है नहीं, पैसा है नहीं। मानो भाइयों, यह है हॉस्पिटल और ऐसी है इलाज, और यह है शर्म कब आएगी, शर्म आनी ही चाहिए। अगर नहीं बात पहुंच रही है तो पहुंचनी चाहिए, अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो कान का इलाज करना चाहिए, अगर आंख से नहीं दिखाई दे रहा है तो आंख पर से चश्मा हटाना ही चाहिए। यह हुआ लोग है जो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, मरीज का एक्सीडेंट हुआ है, पैसे नहीं है, खेत रेहन रख रहा है और गहने जेवर बंधक रखा जा रहा है, यही असली सच्चाई। आशा करता हूँ शर्म आएगी जिम्मेदार लोगों को। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, YouTube चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे, BBM वर्ल्ड से। आज रोटी बैंक के जो हमारे मित्र हैं किशोर जी से लेकर के और रोशन और या जो लोग हैं सबके लिए सलूट करता हूँ, और जो लोग भी दान दाता हैं, रोटी बैंक का संचालन करते हैं, विनम्रता के साथ उनका भी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।